दोस्तों, आज अपने पास ये एक प्रेस आया हुआ है और इस प्रेस की हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी कस्टमर ने नहीं, किसी मैकेनिक ने हमको दिया है। तो दिक्कत क्या हुआ कि उनसे ये प्रेस हुआ नहीं, क्योंकि ये वाला जो प्रेस है ना अपना, ये वाटर वाला है, तो इसका सारा पुर्जा हमने निकाल दिया। हमको उन्होंने इसी कंडीशन में दिया है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। सो ये देख सकते हैं कंडीशन इसका, ये सारा सामान है इसका, बजाज कंपनी का ये अच्छा खासा प्रेस। अब इस हालत में ये देखिए क्या कंडीशन है, मैं भी आपके सामने ही देख रहा हूँ अभी। ठीक है, ये सभी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं इसके, और ये क्या वायर भी कट गई है या काट दिया गया है, जो भी। तो आइए सबसे पहले इसका एलिमेंट चेक करते हैं दोस्तों। अगर एलिमेंट इसका सही होगा तभी ये बन पाएगा, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। तो इसको एलिमेंट को चेक करने के लिए हमको एक ये नीला वायर और एक इसका ये रेड वाला वायर जो ऑटो कट से गया हुआ है, ठीक है, इन दोनों में करंट इनपुट करना है अपना। और ये हरा वाला जो है ग्राउंड है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो फिलहाल अपने सीरीज वायर में इस वायर को जोड़ते हैं। उन्होंने भी चेक करने का प्रयास किया है बट नहीं हो पाया उनसे। उन्होंने कहा जाए कि जैसे भी करके बस इसका हीटिंग वाला बना दीजिए, वाटर बने या ना बने। तो हम ट्राई करेंगे दोनों वाला, लेकिन देखते हैं पहले यहाँ पर फिलहाल ये कहता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑटो कट नहीं काम कर रहा है, क्या रीज़न है उसको देखते हैं। फिलहाल डायरेक्ट हम पहले एलिमेंट चेक करते हैं, ठीक है। ये नीला वाला वायर डायरेक्ट एलिमेंट पे गया हुआ है जो फ्यूज के माध्यम से जाता है, और रेड वाले वायर को हमने हटा के डायरेक्ट इस वाले भाग पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये अपना नहीं आ रहा है करंट, यहाँ पे करंट है, देख सकते हैं यहाँ पे करंट है अपना, और यहाँ पे ये अपना बल्ब सीरीज का नहीं जल रहा है जो जलना चाहिए। तो इसको भी हटाते हैं और डायरेक्ट दोनों वाले पिनों पे सटा के देखेंगे कि दोनों पिनों पे अपना ये करंट आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये अपना करंट बनने लगा है, सीरीज जलने लगा है। तो सबसे पहले एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। तो एलिमेंट लगभग चेक ही हो चुका है, बस एक बार डायरेक्ट हम इसको चेक कर लेंगे। और ग्राउंडिंग इसके चेक कर लेते हैं, कहीं बॉडी अर्थ ना हो, सीरीज में ही चेक कर रहे हैं बॉडी अर्थ को। तो बॉडी अर्थ सही है अपना, बॉडी अर्थ नहीं है एलिमेंट में। थोड़ा सा हीट कर लेते हैं इसको कुछ सेकंड के लिए लगाकर। तो ये बिल्कुल सही है, लाइट जब भी जलने लगी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये जो इसका लाइट है ये भी जलने लगी है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, गर्म भी हो गया, बहुत तेज़ हीट होता है। अब दोस्तों कमी यहाँ पे क्या क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनको काटना पड़ेगा क्यों उनसे नहीं रिपेयर हुआ। कमी दोस्तों इसमें थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका ये ऑटो कट भी ख़राब है इस समय, और ये अपना जो फ्यूज है ये भी खराब है, दोनों चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें समय लगने वाला है, प्रेस भी वैसे काफ़ी ज़्यादा समय खाता है। तो इसमें इसके अंदर फ्यूज़ दिया है कंपनी वाले ने, एक अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर कर यही ख़राब होता है इस प्रेस में। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने ऑटो कट अपने हिसाब से या कुछ करके ख़राब किया होगा, ये नहीं निकल पा रहा है। देखते हैं कैसे निकलता है ये, थोड़ा सा जोर लगा खींचते हैं, जैसे लग रहा है कहीं पटका हो। काफ़ी तेज़ी से खींचने पर भी दोस्तों ये नहीं निकल रहा है। सो निकला, ये देखिए, ये इसके अंदर इन्होंने एक फ्यूज़ दिया 10 एम्पियर का, तो 10 एम्पियर नहीं होगा और कम ही होगा। तो फिलहाल इसको हम चेक करते हैं, ये ऑटो कट इसका क्यों नहीं काम कर रहा है घुमाने पर, इसकी सेटिंग करते हैं दोस्तों। ये ऑटो कट नहीं काम कर रहा है इसके ऊपर दोस्तों, देखिए किसी ने मतलब उन्होंने सेट करने का भी प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा पिचकस लगता है, इसका भी घाट खराब कर दिया है उन्होंने। तो इसको सेट करके देखते हैं हमसे ये घूमता है या नहीं। हमारे इसको ड्राइवर से भी दोस्तों ये नहीं घूम रहा है। दोस्तों ये घूम नहीं रहा है, तो इसको सेट करने के लिए हम कुछ और ना कुछ तरीका खोजते हैं। तो ये दूसरे साइज का दोस्तों, पहली बात कि इसका लॉक सिस्टम है, नहीं तो इसकी जगह हम एक नॉर्मल वाला लगा देते हैं यहाँ पर। तो चेक करते हैं एक बार फिर से, मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आया है, शायद काम करने लगा क्या ये। तो चेक करते हैं डायरेक्ट एक बार यहाँ पे रखते हैं, और एक बार यहाँ पर
ये काम तो करने लगा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सब। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने अपना जो है ना सीरीज में इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको लगा रहा हूँ, सीरीज काम कर रहा है। मैं इसको जोड़ भी लेता हूँ क्योंकि अब इस वायर में अपना ये काम भी करेगा यहाँ पर। ओके, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्यूज़ तो ख़राब ही है। तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ओके, ये मैंने इसको जोड़ लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से सीरीज बल्ब अपना जल रहा है, यहाँ से मैं इसको घुमाता हूँ, देखिए बंद हो गया, चालू हो गया, मतलब ये ऑटो कट अपना काम कर रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल इस समय सही कंडीशन में है, ये चलेगा, अभी गर्म भी होगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अपना प्रेस का लाइट है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको घुमाऊँगा तो लाइट अपना चलेगा, देख सकते हैं कम बेसी करने से ये कम ज़्यादा भी हो रहा है। ओवर हीट की ऑटो कट हो रहा है कि नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं यहीं पर। तो हमने इसको यहाँ पर चालू किया हुआ है, थोड़ी देर छोड़ते हैं ये गर्म होके, इसको बंद होना चाहिए अपने आप, देखिए बंद हो गया, थोड़ा सा और घुमाते हैं, अभी फिर गर्म होना चालू हुआ है, ये बंद होना चाहिए थोड़ी देर में गर्म होने के बाद, तो इसको भी चेक करते हैं। तो ये काफ़ी तेज़ ऊपर भी दोस्तों आँच आने लगी इसकी, मतलब ये काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है, जो है हाथ से छूने में दिक्कत करेगा, तो काफ़ी तेज़ गर्म है दोस्तों, आँच आ रही है। तो अब इसको हम सही करते हैं। देखिए सही करने के लिए सिंपल वे में हमको यहाँ पर इस वायर को डायरेक्ट कर देना है या फिर एक फ्यूज हमको जोड़ लेना है। ओके, इस फ्यूज का नंबर देखने का प्रयास करते हैं, आप लोग को बता देते हैं फिलहाल कितने नंबर का फ्यूज है। मुझे तो नहीं लगता है इसका नंबर दिख पाएगा, फिलहाल देखते हैं। यहीं पर दोस्तों नंबर लिखा हुआ है, बट ये इतना ज़्यादा कवर कर दिए हैं इसको, ये 10 एम्पियर का है दोस्तों फ्यूज है। ओके, तो फिलहाल मैं इसकी जगह फ्यूज नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अपने पास इसका फ्यूज इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों टेपिंग तो चलेगी नहीं, टेपिंग जल जाएगी, ठीक है। तो बस इसको अच्छी तरीके से हम सोल्ड कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं यहाँ पर, सोल्डिंग भी गल जाएगी ना, तो इसको मैं अच्छी तरीके से बस मोड़ लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इसको कवर कर देते हैं, बस ये वायर ये देखिए अभी तक जल रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो इसको नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे पार कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये हो चुका है दोस्तों इतना, अब हमको ऊपर का काम करना पड़ेगा। देखिए जल रहा है काफ़ी तेज़, मैंने हीट कर दिया इसको, थोड़ी देर रुक जाते हैं हम लोग, ठंडा हो जाए प्रेस, ठीक है। तो तब तक थोड़ा बहुत इसका हम सेटिंग समझते हैं। तो इसमें एक गुटका लगेगा यहाँ पर, ये रहा प्लास्टिक का, ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। तो ये ऊपर का भाग इसका, 3 गुटके इसके यहाँ पर लगेंगे, तो मैंने तो खोला नहीं है लेकिन एक अंदाज से इसको हम बैठाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक तो कुछ हुआ अभी, उसके बाद ये ऊपर से भी लग जाएगा शायद, हाँ ऊपर से लग जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर ये सभी वायर को। दोस्तों थोड़ा सा मैंने कैमरे को दोबारा सेट किया है ताकि आप सब देखते रहें मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा इसको बांधना दोस्तों मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो मैं भी ट्राई करता हूँ मुझसे हो पाता है या नहीं। नीचे इसका गुटका ध्यान से लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसको हम टाइट कर लेंगे, इसका ये जो पेच है तीनों, क्योंकि अब इसका नीचे कोई काम नहीं है, नीचे का सिस्टम सब सही है।
यहाँ पे दोस्तों ये हो चुका है, बट ये थोड़ा सा आगे वाला जो है मुझे लग रहा है कम टाइट है, ये कम टाइट है भी, इसको चेक कर लेता हूँ आखिर ऐसा क्यों है। एक तो मैंने गर्म कर दिया, काम करने में भी दिक्कत हो रहा, पीएच भी टाइट हो गया मतलब, तो गर्म हो गया नीचे की प्लेट की गर्मी से। बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर सेट करता हूँ, देखते हैं हो गया, ये चेक कर लेता हूँ। हाँ थोड़ा सा डाउन हो रहा है, नहीं होगा तो एक बार से लगा देंगे हम ऊपर साइड। ठीक है हो चुका है बिल्कुल ये। इसके बाद इसको लगाते हैं, ये हो गया। अब ये वाला सिस्टम कुछ इसका इस तरीके से है, तो देखते हैं सभी वायर को पीछे करते हैं, क्योंकि सारा इसका कनेक्टिविटी पीछे जाके हम कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम इसको सेट कर लेते हैं, इसका लाइट का सिस्टम देखते हैं कहाँ बनाया है इन्होंने। लाइट का पावर का इंडिकेशन किधर किया, ऊपर भी तो नहीं है, देखते हैं कहीं भी कर देंगे। हाँ यहाँ पे दोस्तों बनाया है इन्होंने पावर का इंडिकेशन। नीचे से दोस्तों पकड़ा भी नहीं जा रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट है ये। सो यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने इस तरीके से टाइट कर लिया है, बट इसमें अब कौन कौन सा स्क्रू लगा था ये भी एक हमारे लिए समस्या ही है। ये मान लीजिए इसमें का हो गया, ये हो गए तीन स्क्रू, और ये दो स्क्रू देखते हैं। ये आराम से टाइट तो हो रहा है, ये आगे का लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा आगे वाला जो मुरझाया हुआ है मतलब जंग लगी हुई है। ठीक है ये यहाँ तक तो हुआ, अब सारा सिस्टम ऊपर का इसका बचा हुआ है। अब ये वाला सिस्टम जो है इसका ऑटो कट है, जो नीचे वाली प्लेट में इसके लगेगा, तो इसको पहले हमको लगा लेना चाहिए था, बट ये लग चुका है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको लगा लेना है, तो यहाँ पे कुछ एडजस्ट होने वाला चीज़ तो नहीं है, बट इसको हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो घाट में मिला कर लगाते हैं इसको। सो ये बराबर बिल्कुल बैठ चुकी है, और इसके बाद ये सब सिस्टम इसका है। मुझे लगता है इसका सामान भी कुछ कम है अभी। हाँ कुछ सामान इसका कम लग रहा है, तो वास्तव में है भी कम। यहाँ पर इसका जो दबाने वाला होता है प्रेस करने के लिए आगे का, ये भी नहीं है, और ये क्या चीज़ है, ये शायद इसका कवर है क्या, कहीं इसी से तो इन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी कम है। ये क्या चीज़ बनाई है देखते हैं कैसे ये है। ये सिस्टम है, चलिए एक चीज़ तो हुआ। प्रेस करने के लिए यहाँ पर एक ही है, कई सारे में दो दो दिया रहता है, और ये इसका आगे का सिस्टम है, देखते हैं थोड़ा सा ये मतलब पहले से हट के है। मैंने पहले बहुत पहले बनाया था इसको एक, तो उसमें दूसरे टाइप से था, लेकिन इसमें दूसरे टाइप से है।
इसको पैक करने से पहले हमको यहाँ पे कह रहा है कि पीछे का सब कनेक्शन कर लीजिए आप, तो ये सामान खुद बोल रहा है मुझे, कर लेते हैं। अब इसका वायर चेंज करना है या नहीं, अब इनको मैं पूछ लेता हूँ दोस्तों, कस्टमर से क्या जो दुकानदार हैं उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दोस्तों भैया जिस बात हो गई है, उन्होंने कहा है इसको जो है आप नया कर दीजिए, तो इसको हम नया लगाते हैं एक वायर। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है इसका सभी वायर कनेक्ट कर लिया अपना, ये देख सकते हैं ब्लैक वाले को नीले में, लाल वाले को लाल में, और हरा वाला जो है अपना ये अर्थिंग होता है अपना बॉडी अर्थिंग के लिए, तो ये इसमें हरे वाला ने जोड़ लिया है और हमने इसको कनेक्ट कर लिया अपने पावर से। और आइए अब इसको चेक करते हैं यहाँ पर, तो सीरीज बल्ब अपना जल चुका देख सकते हैं, तो ये अपना सही बिल्कुल काम कर रहा है। तो एक बार फिर से हीटिंग करेंगे हम, ठीक है। तो इसको अब सीरीज में से निकाल कर डायरेक्ट पावर में लगाते हैं, तो यहाँ पर अपना मेन इंडिकेशन चालू हो गया है, ठीक है। ऑटो कटिंग चेक कर लेते हैं इसकी, तो अभी ये गर्म हो रहा है, तो कुछ देर बाद ये फिर बंद होगा, पहले जैसे हो रहा था बंद हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम पैक कर लेते हैं दोस्तों, बाकी ये सारा सिस्टम अपना आप सही है, तो पैक भी कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, यहीं पर इसका स्क्रू इन्होंने लगाया है, तो इसको अब हम टाइट कर लेते हैं। तो ठीक है, इसके नीचे मैंने इसका पावर का इंडिकेशन डाल दिया है, और यहाँ से अब इसको हम टाइट कर लेते हैं लगाकर। पहले से मैंने इसको लगा लिया था, नहीं लगाता फिर से वायर खोलना पड़ता, तो मैंने इसको लगा लिया है सब। और इसको अब हम यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है, ज़रा सा ही मतलब टच हुआ जैसे लग रहा है कि जल गया, यहाँ से इसको फिट करते हैं दोस्तों। आगे की प्लेट पर हाथ रखा नहीं जा रहा है, इतना तेज हीट है। सो ये इतना हो गया दोस्तों, और एक स्क्रू यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो शायद ये वाला लगेगा ध्यान से, नहीं तो अंदर चला जाकर दिक्कत होगा। अब ये एक वार्सल मुझे लगता है बिल्कुल नीचे का था, फिलहाल अब नहीं खोलेंगे हम, क्योंकि मैंने भी खोला भी नहीं था, फिर भी मैंने पैक कर दिया इसको। खोला होता तो मालूम होता कहाँ कहाँ का कौन सा सिस्टम था। ओके, तो इसको अब हम पैक कर लेते हैं। तो इस पार्सल को मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, कभी अगर खुलेगा ये तो इसी के अंदर ये पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं, अब ये लॉक सहित इसमें से है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, अपना ये प्रॉब्लम ओके हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको इसकी लास्ट टेस्टिंग दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसको घुमाता हूँ देख सकते हैं, और हीट ये काफ़ी तेज हो चुका है, करंट भी नहीं था, हमने चेक कर लिया था इसमें। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।